कर नहीं रहे हैं देश का, ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इनका चल रहा है। तो इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारा निजी कोई च्वाइस नहीं, हमारा बस एक ही च्वाइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। सुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। सर दो सवाल है, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, और एक आप दिल्ली आए तो विपक्ष के नेताओं से देखिए, हमारी बातचीत उनसे भी हो रही है और सब जो बात कर रहे हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, बातचीत आगे भी होगी। और अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई है, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी बैठेंगे, वो तो आगे की बात है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। कांग्रेस की भूमिका क्या, एक हम देखने, कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई हुई है तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। 2024 का चेहरा कैसे देख रहे हैं? बस एक ही है, एक ही बात के लिए हम और आएंगे। ठीक है सर, नीतीश जी ठीक है, अलग अलग विपक्षी दलों से मिल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये विपक्षी दलों का जो एक यूनिटी है वो आप बनेंगे? नहीं, हम नहीं बनेंगे, सबको एक करने में हम लगे रहेंगे। पहले ऐसे नहीं कहे विपक्षी दलों में जो पहली बार सभी जो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों को साथ लाने की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, हम तो देखिए सब तरह की कोशिश में लगे हैं, आज जितना चाह रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो आप जान लीजिए अपने राष्ट्र के हित में, पक्का जानिए पक्का। हमको तो लग रहा है कि जो जितने लोगों से बातचीत हो रही है सब लोग अगर इसी बात पर अधिकांश लोग एकजुट हो गए तो अपने देश के हित में होगा 2024, पक्का जानिए।